अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। आज की कहानी अनोखी कहानी जिसमें रिश्तों की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसमें रिश्तों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। मामू जिसने अपनी बहन के बेटे को 4 से 5 साल की उम्र में अडॉप्ट किया, पढ़ाया लिखाया, तरबियत की, मेहनत की, पाला उसको और जवान किया। ये लड़का जब एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुका और अपनी नौकरी पर खड़ा हो चुका तो इसके अपनी मोमानी के साथ नजायज मरासिम स्टार्ट हो गए। ये मामला सालों चलता रहा और अब इनका ये कहना था कि मैं अपने मामू को कत्ल करूंगा और कत्ल करने के बाद इसी मोमानी से शादी करूंगा। मामू एक दिन घर से निकले फजर की नमाज अदा करने के लिए बावजू होकर मस्जिद की जानिब। घर से बाहर निकलना ही था कि पीछे से किसी ने फायर कर दिए और ये बात मशहूर हो गई कि किसी नामालूम शख्स ने इसको कत्ल कर दिया है। ये क्या कहानी है ये सब आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? शान अली। शान अली। उम्र कितनी है? 28 साल। वालिदैन क्या करते हैं? बुजुर्ग हैं। क्या करते थे जवानी में वालिद साहब? फुटबॉल का काम करते थे। बनाते थे, सीते थे? जी हाँ, बना के और सियालकोट में वापस भेजते थे। मतलब कहाँ पले बड़े हो? मैं इधर अपने मामू के पास गाँव में। वालिदैन के पास क्यों नहीं? छोटा था तब से मेरी नानी मुझे अपने पास ले आई थी इधर गाँव में। वजह का तब उस वक्त हालात हमारे ठीक नहीं थे। वाले साहब मेरे मजदूरी करते, ये फुटबॉल का काम करते थे। रहम किया था ना कि वालिद साहब का हाथ बटाया था जी हाँ, कि बच्चा मेरे पास पल बढ़ जाएगा तो बाप का खर्चा जी हाँ हल्का हो जाएगा, जी जी हाथ तो होला हो जाएगा, जी जी ऐसे ही कहते हैं ना पंजाबी। आप फिर इसका मतलब है कि मामू के घर पले बढ़े? हाँ जी। ना मामू के घर पले बढ़े? क्या करते थे मामू? मामू तो काम ही करते थे, फैक्ट्री में स्टील मिल में काम करते थे। और आप? मैं तब पढ़ता था इधर। कितने से थे मामू के पास आए? मैं तकरीबन 5 या 6 साल का हो गया था। बहुत छोटे थे जी। मोमानी ये जाहिर है, क्या कहते थे मोमानी को? तब मामी नहीं आई, तब शादी नहीं हुई थी मामू की। अच्छा, तुम्हारे सामने हुई है शादी? जी जी। ठीक हो गया। तो जब शादी हुई तो मामू को क्या बुलाते थे? मामू बोलते थे, क्या कहते थे? मामू ही कहते थे। मामू कहते थे। और मोमानी को? मामी कहते थे। मामी कहते थे। क्या होता है ये रिश्ता? मामू का रिश्ता क्या होता है या मामी का रिश्ता क्या होता है? माँ का भाई होता है। माँ का भाई होता है। बच्चों के लिए क्या होता है? मामू और बहन का भाई है। और कोई हया का, कोई गैरत का, कोई शर्म का, कोई बड़े छोटे का, कोई ब्लड का कोई रिश्ता होता है ये भी नहीं पता है? इन रिश्तों की पहचान जानते हो? गैरत का रिश्ता क्या होता है? शर्म हया क्या होती है? बच्चों की बड़ों से शर्म क्या होती है? कुछ जानते हो इस बारे में? बताया गया कि नहीं? बड़ों के ये है कि इज्जत, किसी ने बताया कभी बैठ के इस बारे में कि मामी क्या होती है, मामू क्या होता है, बाप क्या होता है, माँ क्या होती है? वो गलत समझाई किसी ने बैठ के बचपन में? नहीं भाई, किसी ने नहीं बताई। पढ़े लिखे हो? हाँ जी। क्या किया भाई? एमए पॉलिटिकल साइंस। तो फिर अच्छा बुरा तो पता है ना? जी हाँ। या नहीं पता? पता है। हलाल हराम की तमीज है? हाँ जी है। जी जी। यहाँ हथकड़ी लगी हुई है, कैसे लग गई? कत्ल किया जी। किसको? मामू। किसको? मामू। क्यों? वो मजाती है, मैं काम करता जब फैक्ट्री में था, बाहर आ गया था तो मैंने आके इधर अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी परचून की, तो वहाँ काम करता था। यानी ये कहते थे तुम इतना पढ़े हो, पहले फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ चले जाओ, यहाँ क्यों 10-10, 50-50 इकट्ठे करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। और आते जाते जब मैं अकेला होता था, घर जाता था, तो क्योंकि मेरा साथ ही उनके पास ही रहता था, साथ हवेली का हूँ, तो वहाँ जाता था। बाद में जब ज़्यादा गुस्से में होते थे तो मारते भी थे, तो भाई तुमने वजह से सारा ये निजाम खराब हुआ। अगर अपना बाप मारता तो फिर उसको भी कत्ल कर देते? नहीं, यही काम अगर अपना बाप करता, भाई करता, फिर उसकी बारी थी? नहीं। तो फिर उसको क्यों? उसने भी तो पाला ही था ना। बस 4-5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको तो पता ही नहीं, तो खाना खाने का नहीं पता होता। पाला तुम्हें, बड़ा किया तुम्हें, तालीम दिलवाई तुम्हें, रखा अपने पास, जवान किया, दाढ़ी मूछ तुम्हारे मुंह पे आ गई है, और बड़े होके तुमने उसी मामू को कत्ल कर दिया जिसने लुकमा तुम्हारे मुंह में डाला। ऐसे ही हुआ है जी? या गलत हुआ है? या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही हुआ है। दुकान पे अलग जाने पर तुमने उनको कत्ल कर दिया कि ये मुझे मारता है?
आज धमकी दी थी कि मैंने तुझे फायर मार देना है, तुम अगर बाज नहीं आता मैं जो छोड़ देते भाई, जवान हो गए हो, छोड़ देते बाप के पास चले जाते। क्यों नहीं गए बाप के पास? नहीं, घर जाता था। घर जाते थे, पक्के पक्के चले जाते ना, जैसे सारे बच्चे बाप के पास रहते। अब तो हक ये था कि तुम अपने बाप को सपोर्ट करते, अब तो हक ये था, बनता तो ये था। चलो वो तो काम तुमने नहीं किया, मामू को कत्ल कर दिया। कैसे किया? फायर लगे। कहाँ पे? कमर में। किस टाइम? सुबह अजान के, अजान से पहले। नमाज पढ़ने जा रहे थे? नमाज के लिए निकले। हाँ, नमाज के लिए निकले थे। तुम्हें पता था? हाँ जी। ये नमाजें पढ़ते हैं? जी हाँ। और मस्जिद में जाके पढ़ते हैं? मस्जिद में जाते हैं। ये भी पता था? जी हाँ। एक पल के लिए जहन में सोच नहीं आई कि अल्लाह का बंदा वजू में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसको कत्ल कर रहा हूँ? नहीं आया जहन में? बस उस वक्त समझ नहीं कुछ आया, कल पे पड़ता है। हाँ? समझ नहीं कुछ आया, बस अकल पे पर्दा पड़ गया था। मामी कैसी थी तुम्हारी? मामी के? कैसी थी मामी? ठीक है। हैं? ठीक है। कैसी थी? ठीक है। कैसी थी? प्यारी थी, अजीब थी, गुस्से वाली थी, प्यार करने वाली थी, कैसी थी? नहीं, प्यार करने वाली। प्यार करने वाली थी? किस किस से प्यार करती थी? सारे बच्चों से करती थी। तुम भी बच्चे? जी हाँ। तुम्हें भी करती थी? जी हाँ। कौन सा प्यार करती थी तुम्हें? वो माँ वाले करते थे। माँ वाला प्यार करती थी? क्या अभी तुमने कहा कि माँ जैसा प्यार कर? माँ ऐसा प्यार करती? नहीं। मुँह पर? नहीं। माँ ऐसा प्यार करती? नहीं। कब से मामलात चल रहे थे? दो साल से। दो साल से? जी हाँ। पहली दफा ये काम कब हुआ? जब मैं यूनिवर्सिटी से जब वापस आया था तो तब आगे मैसेज वगैरह करता था, मैसेज भी बात करता था मुझे मामी से। जी हाँ। क्या कहते थे? बस यही, तब जाता था गुड मॉर्निंग का मैसेज करता था, जब घर से जाता था तो काम पे जा रहा हूँ, फैक्ट्री पहुँच जाता था तो फैक्ट्री पहुँच गया हूँ। अपनी माँ को भी कभी बताया था? हाँ, अम्मी भी उधर पास होते, फ़ोन कर देता था कि फैक्ट्री पहुँच गया हूँ, क्योंकि अम्मी पढ़ी नहीं थी, उनको कॉल करता था कि हाँ फैक्ट्री पहुंच गया हूँ, अभी ये काम कर रहा हूँ। फिर जब शाम को आने लगता था, अगर आना होता था घर तो कह देता था कि शाम को घर आने लगा हूँ, अगर नहीं आना तो फिर फैक्ट्री में रहता था तो कहता था कि फैक्ट्री में ही हूँ, उधर ही हूँ, नहीं आ रहा। आगे फिर इससे आगे बात कहाँ से बढ़ी? बस इसी तरह मैसेज पर बात करते करते। बात करते करते बात आगे कहाँ से बढ़ी? मैसेज पर बात करते रहा, बात इस तरह और कोई बात नहीं बढ़ी। बस कोई मामला नहीं था तुम्हारे मामी के साथ? क्यों किया है? कतल बताया कि मैं जब उन्होंने मुझे आकर पाया तो ये उधर गांव में जाता था ना जिस घर में, तो उन्होंने अपने कंधे पे गन रखी होती थी, जब आता था मामू ने? जी हाँ। मैंने तुझे फायर मार देना, मैंने तुझे फायर मार देना, तो मैं डर गया था इसे कि इन्होंने मुझे मार देना ही थे, तो बस उस पसीने की कमाई का बदला दे सकते हो उस शख्स को जिसने तुम्हें इतने सारे से जवान किया? नहीं दे सकते हो? नहीं। ये दिया तुमने बदला गोली मार के बावजू शख्स को जो नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, सुनकर इंसान की टांगे कांप जाती हैं। क्या रुतबा होगा उस शख्स का जो सोकर उठकर वजू करके मस्जिद में जा रहा है? गैरत से, हया से आंखें झुक जाती हैं ऐसे मर्द को देख के। तुमने क्या किया और क्या क्या बात होती थी मामी से? बस यही बात होती थी। क्या? कौन सी? गुड मॉर्निंग की बात होती थी? बंदा कत्ल हो गया? नहीं, वो यही पूछते, बताना आना जाने का, खाने का पूछना, या कहता था कि आ रहा हूं, कपड़े वगैरह। बुलाते क्या थे तुम मामी को? नाम लेते थे? मामी कहता था। और बस मामी? अकेले बैठ के भी नाम ही लेते थे? मामी कहता था। अकेले बैठ के भी नाम ही लेते थे? हाँ जी। और सबके सामने भी नाम लेते थे? नाम लेते थे? नहीं, नाम नहीं, मामी कहता था। अकेले बैठ के क्या बुलाते थे? अकेले होते थे, सारे इकट्ठे होते थे घर में जब भी होते थे। मामी के साथ तुम्हारे नजायज मरासिम थे? जी हाँ। कहाँ होते थे? उधर घर में ही होता था। घर पर होते थे। बच्चे कहाँ होते थे? मामी के कितने बच्चे हैं? मामी के चार बच्चे हैं। चार बच्चे हैं, कितने कितने? दो बेटे हैं, दो बेटी। कितने कितने? छोटे हैं, बड़े हैं, कितने हैं? छोटा जो है वो 4 साल का है, फिर उनकी एक बेटी है वो 7 साल की है, उससे बड़ी बेटी है वो 11 साल की है, उससे बड़ा बेटा। वो बच्चे आपको क्या बुलाते हैं? भाई कहते हैं। भाई कहते हैं? जी हाँ। ना भाई की कोई इज्जत शर्म है, ना मामी की कोई शर्म हया है, ना तुम्हें को भांजे भतीजे की शर्म हया है, तुम्हें तो शर्म ही आई कोई नहीं, मसले ही कोई नहीं। हाँ, प्लानिंग कहाँ बैठ के की थी कत्ल की?
कहीं भी नहीं गई। कहीं भी नहीं गई फिर? बस जब आया एक दिन घर में आया इसी तरह हवेली में, तो उस दिन उन्होंने उस रात ना मुझे मारा था। किन्होंने? मामू ने। अच्छा, किस बात पे मारा था? वो मैं ना दी थी उधर मस्जिद में ना अफ्तारी दी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ना अफ्तारी का जो सामान है ये तकसीम करें साथ में। ठीक है। तो कहता कि मैं तेरा मेरा रिश्ता ही कोई नहीं है, तू मेनू क्यों कहने है, इतने इतने बंदे बैठे ने, किसी ने भी कहा कि क्या सामान तकसीम कर दे दफाया। तो मैं फिर वो दूसरे बंदे थे उन्होंने तकसीम किया अफ्तारी वगैरह दी और चले गए। तो मैं जब शाम को घर गया तो वो उन्होंने कहा कि तूने यहाँ की अफ्तारी क्यों करवाई, कहीं वो जाके करवा देता। तो मैंने कहा मैंने इधर ही करवानी थी, मस्जिद के सारे लोग इधर होते हैं जो गांव के हैं इधर ही। तो बस वह जाने लगे तो गुस्से में आए मुझे पकड़ा, उधर साथ में वो लकड़ी पड़ी हुई थी उसके साथ मारा मुझे, मार के फिर गाली देते हुए अंदर चले गए। वो गुस्सा तुम्हारे दिल में था? जी हाँ। फिर उस टाइम सोचा था ये कि मामू को कत्ल करूँगा? नहीं, वो मैं जब वो निकले थे मैं भी नमाज के लिए जा रहा था, तो तब जाके जब मैं निकला तो दिए मेरे आगे आगे थे। पिस्टल कहाँ से ली? पिस्टल मैं उधर जिस गोदाम में काम करता था वहाँ रखा हुआ था सिक्योरिटी का। आपने अपने लिए रखा था? आपका पिस्टल था? जी हाँ। आपका अपना पिस्टल था? इससे पहले भी कोई फायरिंग शायरिंग करते रहे हो? नहीं, कभी नहीं। निशाना कैसे एग्जैक्ट लग गया? लगा नहीं, मैंने असल में उनको मारा था टांग पे। हाँ। वहाँ आगे गटर था, होल बना हुआ था। हाँ। तो वहाँ मुझे वो टक्कर लगी, यानी पैर ठेढ़ा लग गया थे, मैं स्लिप हो गया थे, गोली उतना जा लगी। फिर उसके बाद कहाँ भाग गए? फिर मैं वहीं से नहीं गया, उधर गाँव घर चला गया जहाँ रहता था। फिर कुछ फिर से आगे सो गया। फिर सो गए आके? हाँ जी। सो गए आके? जी। फिर कुछ भी नहीं। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मैं जब इन्होंने वो सिम में मेरे नाम पे थी, इन्होंने डाटा निकाला है, तो मुझे बुलाया है कि ये सिम तुम्हारे नाम है, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर इधर मुझे मेरे मामू लेके आए थे। कौन से मामू? जो उनके बड़े भाई हैं। दूसरे मामू? ठीक है। फिर उनके बारे में नहीं सोचा अब इसकी बारी? नहीं है? नहीं। मामी ने कहा था कत्ल करो? नहीं, मामी यही कहती थी कि ये जब मुझे मारते थे तो कहते क्यों हरकतें करता इस तरह की, तुझे मार देंगे। तो मैं कहता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कि ऐसे हर वक्त डांटते रहते हैं, आते जाते मारते हैं। तो कहते क्यों करता है, चला या छोड़ दे काम, ये ना कर, दुकान छोड़ दे, काम पे कहते काम पे चला जा। तो अगर नहीं तो फिर जब ज़्यादा मारते पे कहते फिर इसका कुछ कर, अगर नहीं है, अगर तू नहीं जाता तो फिर इसका कुछ कर दे। मामी कहती? हाँ जी। आपने पूछा नहीं क्या कर तू? नहीं, मैंने कहा कहते यार तू दफा हो जा कहीं ऊपर, यहाँ फिर ये कहीं चला जाए। मामी को भी मारता था? मारते होते थे। मारता था? जी हाँ। गुस्से में आके? हाँ जी। ठीक है, फिर कहाँ जाके कत्ल किया उसको? उधर घर से बाहर निकल। तो तुम्हें तो मामी ने कहा था कि दूर जाके कत्ल करो? मामी ने कहा था कहीं दूर निकल जाओ, तुम चले जाओ, यहीं ये चले जाओ, हमारी जान छोड़ो। तुम्हें शर्म नहीं आई मामी के साथ ताल्लुकात बनाते हुए? शर्मिंदा हुआ। हाँ, शर्मिंदा। शर्म नहीं आई? तुम्हें चेहरा नहीं नजर आता था? चेहरा नहीं नजर आता था कि मेरी माँ बजा औरत है, मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ? नहीं आया ख्याल है? पकड़े नहीं गए कभी तुम? नहीं, कभी नहीं पकड़े गए। पक्के खिलाड़ी हो ना? नहीं। हाँ, बच्चे कहाँ होते थे उस टाइम? बच्चे घर ही होते थे। बच्चे घर होते थे जब ये मामला होते थे? जी। मतलब बच्चों के सामने होता था ये काम? नहीं, वो छोटा बच्चे होते थे ना दो। कितने छोटे? एक 6 साल के और छोटा जो 4 साल का। 6 साल का बच्चा ठीक ठाक होता है, उसको पता होता है, उसको नजर आता है, वो समझता है क्या हो रहा है, ये मेरे अब्बू है या नहीं है, ये बाहर से बंदा आया या घर का बंदा है। 6 साल के बच्चे को पता होता है? माँ ने भी नहीं कभी मना किया? नहीं, उधर होते नहीं थे माँ। मामी ने? जी। मना कभी नहीं किया? नहीं। तनख्वाह कहाँ जाती थी तुम्हारी? तनख्वाह मेरे घर वाले अपने घर वालों को देते थे या मामी को? नहीं, घर वाले देते, मामू सीधा घर वालों को देते थे। किस कदर शरीफ आदमी था वो जिसने बड़ा किया, सिर्फ पैदा नहीं किया, पाला बड़ा किया, तुम्हें पाँव पर खड़ा किया, और फिर तुम्हारी तनख्वाह जो बनती तो उस मामू की थी लेकिन दे उसने अपने तुम्हारे माँ बाप को दी। किस कदर शरीफ उन्नफ्स आदमी था वो। बस कसूर ये था कि उसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पाला पोसा, यही बात है ना? हाँ जी। हाँ, क्या होना चाहिए अब? क्या होना चाहिए?
शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो हो, होना क्या चाहिए भाई, शर्मिंदा तो हो तुम। रिश्तों की धज्जियां उड़ाई, रिश्तों को कत्ल किया, बस मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत छोटा सा जुमला भाई, ये भी नहीं तुम्हें कह सकता कि तुम जाहिल आदमी हो, तुम तो पढ़े लिखे हो। तबीयत नहीं हुई तुम्हारी, मैं लेक्चर देने नहीं आई, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या होना चाहिए? सजा होनी चाहिए। क्या? जो कानून की होगी। मसलन कत्ल की क्या सजा होती है? कत्ल को कत्ल नहीं पता, कत्ल की सजा क्या होती है? अच्छा, तो कत्ल की सजा कत्ल है। अच्छा, कत्ल की सजा कत्ल है। वाकई पॉलिटिकल साइंस में किया है मास्टर्स? हाँ जी किया है। पैसे वैसे दे के किया है, पढ़ के किया? पढ़ के। फांसी होती है सजा अगर हो जाए, तैयार हो? जब जुर्म किया तो उसकी सजा तो भुगतनी। मुस्कुराहट किस चीज की है? नहीं, मामू को पता चल गया था तुम्हारे रिलेशंस का? हाँ जी। कैसे पता चला? एक जब पता जाता था तो मामी को चुटकी काट जाता था या मौका मार जाता था इस तरह का। तो मामू के सामने बैठे होते थे, इधर साइड पे उनकी नजर पड़ जाती, देख लेते थे। तो इसी वजह से पता चला था। क्या रिएक्शन आया? कुछ भी नहीं, उन्होंने जब एक दो दफा मारा तो फिर उन्होंने कहा कि इसका कुछ करो, फिर हम जाके शादी कर लेंगे। नहीं, मामू ने इस पर क्या रिएक्शन दिया? घर से निकाला, प्यार किया, बिठा लिया, क्या कहा? नहीं, तब मारा था और कहा था कि दफा हो जाओ घर से। चले हो गए? हाँ, मैं चला गया था। फिर फिर कहाँ रहना शुरू किया? वो दुकान के साथ वाले गली है, वहाँ पे मकान था, वहाँ रहता था। किराए पे लिया? कितना किराया था उसका? था 3,000। वहाँ पे फिर मामी आती थी, फिर उधर मुलाकात होती? नहीं, हाँ उधर घर ही जाता था। फिर भी घर ही जाते थे, तो वहाँ पे मकान लेने का मकसद क्या था? वहाँ पे यही रहता था कि मैं अपना सामान वगैरह जो दुकान का जो होता था ना, स्टोर का सामान वगैरह उधर रखा होता था, वहाँ से उठाता था, दुकान पे रख देता था। और मामी का घर भी पास पास था, दोनों काम चल रहे थे, टू इन वन। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, और क्या इरादा था कत्ल करने के बाद? क्या इरादा था, क्या प्लानिंग थी आगे मामी के साथ? बस यही था कि जब हो जाएंगे तो फिर बाद में हम शादी कर लेंगे। निकाह कर लोगे? कितने बच्चों की माँ है? चार बच्चों की माँ। वो बच्चे रिश्ते में क्या लगते हैं तुम्हारे? मामू नहीं पता? मामू वो भी नहीं पता? नहीं पता, मामू के बेटे। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो कातल था वो इतना शातिर था कि फौरी तौर पे आके उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। जो मोहतरमा थी मकतूल की, जो बेवा थी, उनका एक नंबर पे बहुत ज्यादा रहा था। ठीक है, मोर देन 4,000 कॉल्स थी, मैसेजेस थे। मकसद क्या था मामू को कत्ल करने के बाद? क्यों, शादी वादी का प्लान था? देखिए, खतून को जब हमने शाम में तफ्तीश किया तो खतून ने बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताई। जी ठीक है। उसने कहा बिल्कुल मेरे शौहर के साथ मेरे अच्छे तलकात नहीं थे। वली पाशा साहब, क्या कहानी है मोमानी के साथ नजायज मरासिम कितने अरसे से थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 19 रमजान मुबारक की बात है, तकरीबन सहरी के टाइम पे 15 पे कॉल चली कि नसीम शाह जो साहब का जो टेस्ट क्रिकेटर है कैसर बास, उसके मामू हैं, उनको बजरिया फायर मजरूब कर दिया गया। ठीक है। मौके पे जाते हैं तो जाके कंडीशन देख के उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से उनको लाहौर रेफ़र करते हैं। होता क्या है कि पता चलता है कि ये जो नसीम शाह हैं, ये नमाज़ पढ़ने के लिए सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से जब मस्जिद के लिए जाने लगे, तो जब इन्होंने घर के दरवाजे को लॉक किया तो पीछे से किसी नामालूम ने 2 फायर किए कमर पे। ठीक। जिससे वो मजरूब होकर ज़मीन पे गिर पड़े और आफ्टर 24 आवर्स उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ये एक मामा था, मसला था, अब पता नहीं था कौन कत्ल कर गया। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन जो कातल था वो इतना शातिर था, घर का अपना नुमाइंदा था, घर में रहने वाला था, बेदी भी था, उसने क्या किया कि फौरी तौर पे आके उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया। तो उनका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद तदफीन होती है, फिर हम जो चीज़ें होती हैं टेक्निकल चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने ह्यूमन सोर्सेज से, क्योंकि गाँव के अंदर था तो ह्यूमन सोर्सेज से मैंने पता किया, तो वहाँ मुझे कुछ चीज़ें मिली। तकरीबन मैंने वहाँ पे 6 घंटे गुजारे इस लोकेलिटी के अंदर।
तो मुझे कुछ लोगों ने काफी चीजें बताई, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मुख्तलिफ लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों को मैंने यहाँ थाने बुला के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे कुछ चीज़ें मिली तो जो इनके मतलब इनके घर के अंदर को इलिसिट रिलेशंस के रेलेवेंट चीज़ें थी, ठीक है ना, नाजायज मरासम मुझे ज़्यादा लगे। तो हमने वो मकतूल का मैंने नंबर लिया, मकतूल की मैंने CDR निकलवाई, उसकी मिसेस की मैंने CDR निकलवाई, ठीक है, उसके बच्चों की मैंने CDR निकलवाई। हमने टेक्निकली काम शुरू कर दिया, ठीक है। जब टेक्निकल काम करते करते हमें को 3-4 दिन के अंदर मुख्तलिफ क्लूज मिले, जो मोहतरमा थी मकतूल की जो बेवा थी उनका एक नंबर पे बहुत ज्यादा रब्ता था, ठीक है, मोर देन 4000 कॉल्स थी, मैसेजेस थे। फिर वो मर्डर के बाद नंबर बंद हो जाता है, फिर किसी और नंबर से रब्ता हो जाता है, फिर किसी और नंबर से रब्ता होता है, फिर किसी और नंबर से, यानी आफ्टर मर्डर वो 3 सिमें और इस्तेमाल कर, शक जो है वो वही मजबूत हो जाता है कि मर्डर के बाद नंबर बंद क्यों हुआ। बिल्कुल, वो हमारा जो ना वो हमें क्लियर हो गया, हमें यकीन हो गया कि कहानी यही पे इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। जब हमने उस नंबर की CDR ली, उसकी ओनरशिप ली, तो वो पता चला कि वो शान और अफशानी मकतूल का हकीकी भांजा है, बहन का बेटा। तो बहन का बेटा वो है जिसको उसी मामू ने छोटी उम्र में अपने घर में रखा, उसको पाला, उसको जवान किया, ठीक है, उसको MA तक तालीम दिलवाई, ठीक है जी। तो बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है, मतलब क्या कहते हैं, अनबिलीवेबल सी बात है, नाकाबिल यकीन बात है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे स्टोरी और थी, नजायज तलकात थे, इश्यूज और थे, तो फिर एट द एंड यही होना था जो उसने वो किया। मकसद क्या था मामू को कत्ल करने के बाद, क्यों शादी वादी का प्लान था? देखिए, खतून को जब हमने शामिल तफ्तीश किया तो खतून ने बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी बताई जी, ठीक है। उसने कहा बिल्कुल मेरे शोहर के साथ मेरे अच्छे तलकात नहीं थे, वो मेरे साथ अच्छा कोऑपरेट नहीं करता था, ठीक है, तो मैं इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी, ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़े अरसे के बाद इसका मेरी तरफ रुझान हो गया, मेरी तरफ ज्यादा ख्याल करने लगा, तो मेरे इसके साथ मरासम शुरू हो गए, जो तकरीबन पिछले मर्डर से तकरीबन 6-7 साल पहले से इनके रिलेशन उस्तवार आपस में हो चुके थे, ठीक है, जो गायब गए आपस में मिलते थे। नहीं, इस इन रिलेशंस को हम क्या कहेंगे, कितने साल के थे? तकरीबन 6-7 साल, 6-7 साल, ठीक है। मुल्जिम का ये कहना है कि 2 साल नहीं, 6-7 साल से, जो उस खतून के बयान के मुताबिक उसके इंटरव्यू में वो 6-7 साल से इनके तलकात है, ठीक हो गया। तो जब इसके मामू को पता हुआ तो इसके मामू ने इसको घर से निकाल दिया, तो इसने क्या किया कि इसने वहीं पे उसी घर के पीछे मोहल्ले में एक मकान लेकर किराए पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये वक्फे से उस रिलेशन को आगे चलाता रहा, वक्फे सारे काम करता रहा। जब इनके रिलेशन पीक पे पहुंचे, जब इनसे अब वो कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन्होंने प्लान किया कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। हुआ क्या कि मोहतरमा कहती हैं, वो जो खतून है वो कहती हैं कि मैंने इसे कहा था कि इसको कहीं लोकेलिटी से बाहर कत्ल करो, इसको इलाके से बाहर कत्ल करो, ठीक है, लेकिन ये जज्बात में आ गया तो इसने आके इसको वहीं पे कत्ल कर, ठीक है। कत्ल करने के बाद कितनी देर तक ये बातचीत इनकी आपस में होती रही? जी, कत्ल करने के बाद मुसलसल ही आपस में रबते में रहे, ठीक है। ये अपने मामू के कातिलों को ढूंढता भी रहा, अच्छा, सर्च भी करता रहा, और कफन दफन में भी साथ रहा, कफन दफन में शामिल था। तो जब हम इसको CDR की हेल्प से पकड़ लिए, इसको इंटेरोगेट किया, तो फिर ये सारी बात इसने खोल दी। कितने दिन लगे मुलजिम को गिरफ्तार करने में? तकरीबन 12 से 15 दिन लगे। 12 से 15 दिन लगे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कि ये लड़का जिसने MA पॉलिटिकल साइंस किया, हम ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता, ये सब जानता है। और इन सब के बाद इसने उसी मामू को कत्ल किया है जिसने पाला पोसा और बड़ा किया। माशरे के इस रवैये को किस नज़र से देखती हैं? ये आपका इंसाफ का सिस्टम भी है जो कि कमज़ोर है, और जिसने लोगों को इतनी जुर्रत दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है, और लोगों को पता है कि अगर वो जुर्म करेंगे भी दे कैन गो स्कॉट फ्री। सो फिर ये आपका वो कमज़ोर निज़ाम इंसाफ भी है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हर गलत काम का जो सेहरा है वो ख़वातीन के सर पे लगाया जाता है। बार एसोसिएशन की 150 साल तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी मुंतखब हुई सबाहत रिजवी साहिबा।
आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम इनसे केस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ में एक खातून का किरदार क्या होना चाहिए इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। सबाहत रिजवी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशंस के 150 साल की तारीख में पहली खातून सेक्रेटरी आप मुंतखब हुई हैं और बड़े फख्र की बात है कि एक खातून ने वो कुर्सी संभाली है जो हमेशा से मर्द संभालते आए हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपने केस की तरफ आते हैं जिस पर मैं आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ आपसे बात भी करना चाह रही हूँ। सबहत साहिबा, क्या कहेंगी, FIR आपने देखी, डिटेल्स आपने देखी, केस को आपने स्टडी किया, ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मैं ये इनिशियल जो FIR आपने मुझसे शेयर की है उसके अंदर तो ये अननोन असेलेंट्स हैं जिनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई इनिशियली, और बाद में फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर आप मेरा ख्याल आई एम श्योर के जैसे आप बता रही हैं कि वो लड़का आइडेंटिफाई हो गया तो उन्होंने उसको उसके अंदर नॉमिनेट किया होगा कि ये लड़का जिसने MA पॉलिटिकल साइंस किया, हम ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है, हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं जानता, ये सब जानता है, और इन सब के बाद इसने उसी मामू को कत्ल किया है जिसने पाला पोसा और बड़ा किया। माशरे के इस रवैये को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, माशरे में तो हमने ये तो मैं समझती हूँ कि जवाल पजीर है हमारा माशरा, वैल्यूज़ यहाँ पर अब नहीं रह गई। अगर कोई एक बात हमारे हमें हम कंसिडर करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि हाउ टू मेक मनी, और वी हैव बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक, और शायद इसीलिए जो रिश्ते हैं उनका तकद्दस ख़त्म होता जा रहा है। काम तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन ख़त्म होता जा रहा है, और ये फिर किसी भी जवाल पजीर माशरे की निशानी होती है। जब वहाँ वैल्यूज़ ना रहे, इकदार ना रहे, रिश्तों का तकद्दस ना रहे, तो इट इज़ एन इंडिकेशन एंड विच इज़ वेरी अलार्मिंग। माशरे में हम जब भी किसी किस्म की कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि माशरा ख़राब हो गया या माशरे की वजह से ऐसे माहौल जो है वो क्रिएट हो गए, माशरे में ऐसे हालात वाक़ात हैं जिसकी वजह से इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो पेश आते हैं। माशरा तो आपसे बनता है, माशरा तो मुझसे बनता है, हम सबसे मिलकर बनता है, फिर हम इल्ज़ाम हमेशा माशरे पर क्यों ठहराते हैं? उसकी वजह कि आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या आपके नॉर्म्स हैं वो ये माशरा ही सेट करता है, और हमारा जो सोसाइटी है जिस माशरे में हम रह रहे हैं वो आपको पता है कि वो बड़ा इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, और उसमें ज़्यादा जो टच है वो रिलीजन का है, और फिर उसके वो उसको सिर्फ वो टच नहीं है बल्कि उसको सम टाइम्स आपको पता है कि डी फॉर्म करके भी पेश किया जाता है। फिर हम चूँकि पार्टीशन के बाद ये मुस्लिम और हिंदूज का पहले कंबाइन रहते थे, शायद मुझे लगता है कि उसका भी एक असर है कि, और उसके बाद फिर हमारे जो माशरती इकदार हैं वो तब्दील होती गई उसकी, और वो इकनॉमिक का क्राइसिस की वजह से आपकी इकनॉमिक्स बड़ी इफ़ेक्ट की, आपकी एजुकेशन बड़ी इफ़ेक्ट की, और ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं किसी भी माशरे की तनजली या तरक्की के लिए कि उसकी उसके माशरे में क्या सहूलियात उस सोसाइटी को, उस सोसाइटी के लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं और किन से उनको डिप्राइव रखा जा रहा है, किस तरह क्लास सिस्टम जो है उसने उसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरह तबकाती निज़ाम लोगों को एक दूसरों से अलहदा कर। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी को, किसी भी माशरे को बनाने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी तनजली के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक है सबाहत साहिबा, जिस तरह से मामू ने इस बच्चे को पाला बड़ा किया और फिर बदकिस्मती के साथ वो मोमानी जिसने इस बच्चे को पाला भी था, बड़ा भी किया, माँ समझ कर इंसान किसी बच्चे को जब अडॉप्ट करता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, उसकी ग्रूमिंग करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, उसको खाना खिलाता है, तो ऑब्वियसली वो उसका बड़ा होता है, यानी कि रिश्ते में खातून है तो वो माँ का दर्जा रखती है। उसी के साथ नजायज़ ताल्लुकात का इस्तवार होना और फिर उसी के कहने पर कि तुम मेरे शौहर को साइड पर लगाओ ताकि इसके जाने के बाद हम आपस में निकाह कर सकें, बदकिस्मती। इसमें दो तीन एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा केसेस में। अडॉप्टेड केसेस के अंदर बच्चे जो होते हैं वो होते तो अडॉप्टेड हैं लेकिन उनको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल विरासत से, और उसको डिप्राइव रखने के लिए भी किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और फिर इस और वो यूजुअली इसी तरह के मैटर्स होते हैं। चूँकि वो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं होता तो फिर माओं के साथ यूजुअली ऐसे बनाया जाता है कि इसके इलिसिट रिलेशंस थे और थिंग्स लाइक दैट। सो ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस केस के अंदर उसके जो मामू हैं उसकी प्रॉपर्टी कितनी थी, एसेट्स कितने थे, आया उसने कोई एसेट उस लड़के के नाम पे लगाया था या वो लगाने जाना चाह रहा था, और उसकी बीवी जो है शी डोंट वांट इट। ठीक है, क्या मैसेज देने चाहेंगी माशरे के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाने वाले जालिमों के हवाले से? मैं तो
कोई ऐसा मतलब मैं मॉरल सबक तो नहीं दे सकती, चूँकि हम रोज़ यहाँ पे अपने अदालतों में देखते हैं कि कैसे मॉरलिटी को यानी तबाह किया जा रहा है ऐसे। और इसी सिर्फ एक साइड से नहीं है, इसमें आप सिर्फ मुआशरे को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। यहाँ जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इंसाफ बांट रहे हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। और हमने देखा है कि अदालतों ने किस तरह जो लोग जिनको जिनके हक बनते थे इंसाफ लेने के, उनको किस तरह इंसाफ नहीं दिया, और फिर किस तरह उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और उन्होंने लोगों को फिर ब्रूटली मर्डर किया। सो ये इट्स पार्ट ऑफ दूसरा मिला के माशरा बनता है ना। सिर्फ आप मुलजमान को या मुजरिमों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, ये आपका इंसाफ का सिस्टम भी है जो कि कमज़ोर है और जिसने लोगों को इतनी जुर्रत दी है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं है और लोगों को पता है कि अगर वो जुर्म करेंगे भी दे कैन गो स्कॉट फ्री। सो फिर ये आपका वो कमज़ोर निज़ाम इंसाफ भी है जो इस सारे क्राइम रेशो में जो इजाफा है उसका जिम्मेदार है। मैं ये पर्सनली आई बिलीव इट। ठीक है, आप एक खातून भी हैं, आप एक पढ़ी लिखी खातून भी हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि माशाल्लाह से जिस कुर्सी को आपने संभाला है, इस कुर्सी को अरसा दराज से मर्द संभाल रहे थे, इट मीन्स कि आप हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे माशरे में बढ़ते हुए जराइम की बहुत बड़ी वजह खवातीन हैं जो हवा देती हैं मसले मसाइल को, झगड़ों को। हम मुख्तलिफ़ किस्म की जब FIRs को पढ़ते हैं या फिर उसके बाद होने वाली सज़ाओं के हवाले से बात करते हैं, जो मुझसे कहीं बेहतर आप समझती हैं, क्योंकि रोज़ अदालत जाना, वहाँ से आना, केसेस को डील करना, यह आपका मामूल का मामला है। आप क्या समझती हैं खवातीन का बड़ा किरदार है जराइम के बढ़ने में? जी नहीं, बिल्कुल आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। और ये बड़ी बायस स्टेटमेंट है आई थिंक, क्योंकि हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हर गलत काम का जो सेहरा है वो खवातीन के सर पे लगाया जाता है। और इवन आप ये देखिए कि जो आपकी क्राइम रेशो है उसमें भी इज्जत बेइज्जती का जो यार्डस्टिक है वो औरत को रखा जाता है, बेटी को या माँ को या बीवी को। सो ये दे आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। इसलिए मैं नहीं समझती कि इसमें कोई सच्चाई है। ये बड़ी सतही सी और बड़ी घटिया सी बात है कि जिसमें आप ये कहें कि औरतें जो हैं वो हर जुर्म के पीछे हैं या हर जुर्म की जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं तो इसका एक तो रीज़न मैंने आपको बताया कि कमज़ोर आपका निज़ाम इंसाफ है, और दूसरा पे लैक ऑफ टॉलरेंस भी है। हमारी माशरे में कुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है, लोग एक दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर लालच और तमा जो है उसने सोसाइटी की फैब्रिक को ऑल टुगेदर बर्बाद करके रखती है। आई थिंक दीज आर द रीजंस। ठीक है, वर्किंग लेडी को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है, ये हम सुनते आ रहे हैं जब हम मैट्रिक के बाद कॉलेज को ज्वाइन किया। आप भी ये बातें सुनती आ रही हैं या आपने नहीं सुनी? जी मैंने सुनी भी है और मैंने फेस भी की है। क्या क्या फेस किया और कैसे फेस किया उन खवातीन, उन लड़कियों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रही हैं, जिनको चैलेंजेस का सामना है, जिनको ये कहा जाता है कि इस माशरे में तुम नहीं चल सकती, जबकि वो बेचारी अभी इनिशियल स्टेज पर है और पहले ही डरा दिया जाता है? जी वो तो देखिए ये तो हाँ एक जंग है। जब आप घरों से निकलते हैं, आप भी इस चूँकि बींग वर्किंग वुमन यू नो वेरी वेल कि जब हम आप घरों से निकलते हैं आप काम करने के लिए, तो बाहर एक पूरी दुनिया है जिससे आप अपने आप को यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। लेकिन उससे आप उसी वक्त बचा सकते हैं जब आपके किरदार के अंदर या आपकी अंदर की इनर स्ट्रेंथ होगी। अगर इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड तो यू कैन नॉट मतलब टेक टू स्टेप्स इवन आउट ऑफ योर हाउस। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये आपके अंदर की कमिटमेंट है व्हाट यू वांट टू डू, और ये आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बीइंग है कि जो आपको चलाती है। और फिर इस मर्दों के मुआशरे में जहाँ पे आप मतलब मजबूती के साथ और बड़ी आप मॉरल स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहते हैं, हर चीज़ का मुकाबला करते हैं, उसमें चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट है चाहे कोई और हर्डल है, यू फेस एवरीथिंग विद बोल्डनेस एंड ब्रेवरी। जी थैंक यू सो वेरी मच। कैसे रिश्तों की धज्जियां उड़ाई गई, कैसे सगे रिश्तों को खून में नहलाया गया, वो मामू जिसने बचपन से पाला पोसा था कैसे खून सफेद हो गया, कैसे खून पसीने की कमाई को भुला दिया गया। ये वक्त तो वो था कि जब इसकी छाँव को देखा जाता और महसूस किया जाता, लेकिन इस वक्त मोमानी पर नजर रख ली गई और बेदर्दी के साथ मामू को ऐन उस वक्त कत्ल किया गया जब वो नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा था। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।